हेलो दोस्तों, लावा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम पार्टी स्टाइल, देखिए प्लेटर की रेसिपी लाई हूँ। और इसे कैसे बनाना है मैं आपको इसको फुल डिटेल्स में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। तो मेरी वीडियो पूरी देखें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हमें चिकन राइस प्लेटर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारा चिकन है, 350 ग्राम मैंने लिया है इसको। आप इसे क्यूब्स में काट लें इस तरह से। और हम इसमें तीन तरह के टिक्का कबाब बनाएंगे, तो मुझे तीन मैरिनेशन की ज़रूरत है। ये देखिए मेरा रेड मैरिनेशन है, और ये मैंने लिया है वाइट मैरिनेशन के लिए, और ये हमारे ग्रीन मैरिनेशन के लिए मैंने अलग किया हुआ है। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं। और ये देखिए, ये हमने 150 ग्राम के करीब गाढ़ी दही ली है, ये हमें तीनों मैरिनेशन में ऐड करनी है। ये देखिए, ये हमारा रेड मैरिनेशन के लिए जो हमने मसाला लिया है उसकी क्वांटिटी, ये हमने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला लिया है, मेरे घर का होममेड है। और ये जीरा पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून है। और कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके हल्के से हाथों से ऐसे मल लिया था, तो वो पाउडर फॉर्म में हो गया है। तो जो है आप इसे ले लें, 1/2 टीस्पून से कम है ये। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और हाँ 1 टीस्पून मैंने भर के यहाँ पे जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ली है मैंने 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से कम मैंने धनिया पाउडर लिया है, लगभग 1/4 टीस्पून है। और 1/2 टीस्पून से कम मैंने तंदूरी मसाला लिया हुआ है, कोई भी ब्रांड का आप ले लें। 1/2 लेमन लिया है मैंने, और जो है ये मैंने रेड फूड कलर थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स करूंगी। अब हम एक बाउल ले लेंगे कोई सा भी, हमारे चिकन की क्वांटिटी कम है तो छोटा बाउल ही मैंने लिया है। और मैं इसमें जो है देखिए 2 चम्मच, टेबल स्पून तो नहीं है ये, लेकिन आसपास ही है, भर के मैंने इसमें दही ले लिया है। और इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर लूंगी। देखिए हमने इसमें लेमन पूरा नहीं निचोड़ा है, इसमें हम जो है ग्रीन मैरिनेशन में बाकी निचोड़ देंगे। और थोड़ा सा बेसन हमें लगेगा इसमें, अच्छी बाइंडिंग होगी इससे। और कॉर्नफ्लोर हम थोड़ा सा लेंगे, कॉर्नफ्लोर हम तीनों मैरिनेशन में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। बेसन लेकिन हम सिर्फ रेड में ही ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे। देखिए हमने अपना मैरिनेशन ऐसे बिल्कुल अच्छा सा बना लिया है, और मेरे चिकन एकदम प्रॉपर क्यूब्स नहीं है, देखिए थोड़ा थोड़े डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है। आप भी काट लें चिकन के हिसाब से। और मैंने इसे थ्री पार्ट में मुझे डिवाइडेड करना है, क्योंकि मुझे तीन मैरिनेशन बनाने हैं। अब इसे अच्छी तरह से इसमें पोर कर लीजिए, और कम से कम 30 मिनट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 से 4 घंटों के लिए भी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख के छोड़ दें। हमारा वाइट मैरिनेशन का सामान है, और इसमें मैंने ली है 1 टेबल स्पून भर के मोजरेला चीज़ ली है, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून भर कर। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर चाहिए थी, मेरी सॉल्ट मिक्स थी इसी वजह से मैंने देखी सॉल्ट नहीं लिया है, इसे मैंने 1 टीस्पून से ज़्यादा लिया है थोड़ा सा। और मैंने ये फ्रेश अपने घर के दूध की मलाई ली है, फ्रेश क्रीम हम इसमें लेंगे 2 टीस्पून, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगभग 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। और जस्ट अ मिनट, ये हम दही लेंगे इसमें 2 चम्मच भर के छोटे वाले। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें अपने चिकन के पीसेस ऐड कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस स्टेज पे आप अपना नमक ज़रूर चेक कर लें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने ग्रीन मैरिनेशन की तरफ। ये हमारे मसाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और ये देखिए ये मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं 6, और यहाँ पे हरा धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा, और उसके साथ में मैंने धनिया की डंठल भी ली है आप देख सकते हैं, और 4 मैंने लहसुन के जवें लिए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा पुदीना लिया है। इसे मैं मिलाकर चटनी फॉर्म में पीस लूंगी, और इसमें से 1 टेबल स्पून ही मुझे यूज़ करना है, बाकी मैं इसे चटनी की तरह यूज़ करूंगी। पीस ली है, और इसमें से हम 1 टीस्पून भर के लेंगे,
और बाकी अपने मसाले मिक्स करेंगे। लहसुन हमने कम लिया था क्योंकि हम यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज कर रहे हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट लिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून से भी कम है, और 1/2 टीस्पून से कम मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, और 1/2 टीस्पून नमक है। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर इसमें 1 पिंच यूज करूंगी अच्छे ग्रीन कलर के लिए, और दही मैं लूंगी इसमें 2 चम्मच। अब मैं इसे मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। बचा हुआ नींबू का रस भी हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने पहले से बचाया था, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर देखिए 1/2 टीस्पून है, ये इतना काफी होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कलर आप देख सकते हैं ना, अच्छा ग्रीन कलर आया है। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें बाकी के बचे हुए पीसेस भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पोर कर लेंगे। देखिए हमारे तीनों मैरिनेशन रेडी है, रेड व्हाइट एंड ग्रीन। अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, और इसे हमें टिक्का बनाने के लिए इस तरह के स्कीवर्स की जरूरत होगी, इन्हीं में हम पिरो करके टिक्का बनाएंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पर हम अपने चावल की प्रिपरेशन कर लेंगे। ये देखिए हमने 700 ग्राम चावल लिया था मैंने, और इसे 15 मिनट पहले मैंने धो के भिगो लिया था। ये हमारे नॉर्मल राइस है जो अपने घर में डेली यूज में खाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाजर ली है बारीक कटी हुई, 1 प्याज मैंने बारीक काट लिया है, 3 हरी मिर्ची लिए हैं मैंने, बीच में से चीरा लगा लिया है इस तरह से, और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, 1/2 मैंने लेमन लिया है, 2 लहसुन की कलियां मैंने इस तरह से बारीक काट ली हैं, और ये हमने अपने सूखे मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी हरी इलायची ली है, थोड़ी सी छोटा सा जावित्री का फूल लिया है, और 4 लौंग ली है हमने, सया जीरा लिया हमने 1/4 टीस्पून है ये, और 1 स्टार एनिस का छोटा सा टुकड़ा लिया है, 1/2 से भी कम है ये, थोड़े से चिली फ्लेक्स है मेरे पास है तो मैं ले रही हूँ, ऑप्शनल है ये, और ये जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून हमने गर्म मसाला लिया है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैं हल्दी पाउडर लिया है। देखिए हमने पतीला रख दिया है गैस पे, और हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे हम इसमें, इससे टेस्ट और फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा इसका। और ये मैं बताने भूल गई थी, मैं खिस के डालूंगी थोड़ी सी जायफल 1 चुटकी भर बाद में, और ये देखिए हम अपने गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। खड़े गरम मसाले हमारे देखिए यहाँ पे हल्के से तड़क गए हैं, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हमने अपनी ग्रीन चिली भी इसमें डाल दी है, और ये मेरे लहसुन जो है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे, अब प्याज को हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। प्याज देखिए हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे हरी मटर भी ली हुई है, आप चाहें तो ले सकते हैं। मटर हमारी देखिए थोड़ी सी हल्की सी जो है फूल गई है तेल में, इसमें हम गाजर भी ऐड कर देंगे। सब्जियां हमारी देखिए थोड़ी सी हो गई है टेंडर, अब इसमें इस स्टेज पे हम अपने मसाले मिक्स कर लेंगे, और ये जायफल था उसे हम थोड़ा सा घिस के डाल देंगे 1 चुटकी भर इस तरह से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 ग्लास में यहाँ पे पानी ऐड करूंगी फुल, क्योंकि मैंने 2.5 ग्लास चावल लिया था, और चावल से हमें पानी कम ही रखना है क्वांटिटी में, ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। देखिए हमने पानी इसमें ऐड कर लिया, अब हम इसे ढक देंगे 1 बॉईल आने तक अच्छी तरह से,
बॉईल आ गया है हमारे, और हम इसमें अभी अपना आधा लेमन निचोड़ देंगे और थोड़ा सा हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने देखिए इसके सारे गरम मसाले इस तरह से छाट के निकाल लिए हैं, क्योंकि ये मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। हमें इसका सिर्फ फ्लेवर चाहिए था, जो हमारे पानी में आ चुका है। अब हम अपने चावल ऐड कर लेंगे भीगे हुए, पानी निखार कर ऐड करेंगे। देखिए हमने अपने सारे चावल इसमें ऐड कर लिए हैं, इसे हल्का सा मिक्स करा लेंगे। हम इसे हल्का हल्का सा चला लेंगे, चम्मच को बहुत ज्यादा नहीं चलाना क्योंकि हमारे चावल भीगे हुए हैं, टूट जाएंगे। और इसे चला लेंगे थोड़ा देर के लिए। चावल देखिए हमारे पानी सूख गए हैं, और जो है इसे अब हम इसी स्टेज पे दम लगा देंगे, इस तरह से नीचे करके साइड सेट करके। चावलों को देखिए इस तरह से हमने तावा लगा के दम पर लगा दिया है धीमी आंच पर। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। टिक्का देखिए हमने अपने बारबेक्यू में ऐसे लगा लिया अपने स्कीवर्स में बारबेक्यू करने के लिए। और चावल हमारे लगभग रेडी है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं, शैलो फ्राई करेंगे हम इसे। देखिए हमने एक पैन में तेल जो है खूब अच्छा से गर्म कर लिया है, और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। तो बस सबसे पहले हम व्हाइट टिक्का फ्राई करेंगे, क्योंकि फिर उसी ऑयल में हम सेकंड पे कलर ना चढ़े दूसरे टिक्के का। ग्रीन मास्क आ गया, हमने इसे पलट दिया है। बार बार इसे पलटना नहीं है आपको, जब एक तरफ से हो जाएगा तभी आप इसे पलटें। देखिए हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया है, व्हाइट वाला। दोनों तरफ से ग्रिल मार्क्स अच्छी तरह से आ गए हैं इसमें। अब हम इसे निकाल लेंगे और अपना नेक्स्ट जो है दूसरा टिक्का हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऑयल को फिर से ऑयल हमारा तेज गर्म हो चुका है, देखिए तड़क रहा है इस तरह से मसाला। और ये हम अपना ग्रीन वाला अपना टिक्का ऐड कर लेंगे। देखिए ये टिक्का भी हमारा रेडी हो गया है, ग्रीन वाला बिल्कुल, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। मैं अभी आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। अभी ये गरम है, ये देखिए कितने आसानी से टूट रहा है, ये बिल्कुल टेंडर हो गया है अंदर तक। अब हम रेड वाला भी इसी तरह से बना लेंगे। तेल हमने इसमें और ऐड किया है, दो मिनट के बाद आप इसे चेक कर लिया करें, और उसके बाद में हो जाए तो उसको पलट लें एक बार। देखिए टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है हर तरफ से। अब इसे हम बंद कर देंगे और अपनी प्लेटिंग करेंगे। और जब तक हमारा टिक्का रेडी हो रहा था, हमने यहाँ देखिए सैलेड रेडी कर ली है डेकोरेशन के लिए, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। चावल देखिए हमारा रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं ये कितना खिला खिला बना हुआ है। ये बिल्कुल पार्टी स्टाइल रेसिपी है, अपने मेहमानों के साथ बनाकर शेयर करिए, खाइए, इंजॉय करिए। और जो है मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहें, खुशियां बांटें। जय हिंद दोस्तों।